फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें, ना भूलिए। आज मैं आपके साथ एक मजेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है मैगी फ्रैंक की रेसिपी। सबसे पहले तो मैं फ्रैंकिस के ऊपर के शीट का इंग्रेडिएंट्स आपको साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए मैदा, नमक, ऑयल। अब हम देखते हैं स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 2 पाउच मैगी, विनेगर, मटर, रेड चिली पाउडर, वेज मेयोनीज, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और डिश में मैंने लिया है धनिया, स्लाइस किए हुए ऑनियन और स्लाइस की हुई शिमला मिर्च। सबसे पहले हम मैदा का डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 बाउल मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और 1 चम्मच ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के लेंगे। मैदा का हमने सॉफ्ट डो बना लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। गैस के ऊपर मैंने पॉट रखा है और उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है। इस पानी में हम मैगी को बॉयल करेंगे। तो इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा नमक और 1 चम्मच ऑयल। इसे हम मिक्स करेंगे, इससे मैगी हमारी चिपकेंगी नहीं। अब हम इस पानी में मैगी को तोड़ के डालेंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो नूडल्स है वो अलग अलग निकल जाए। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है और मैगी ये हमारी सेपरेट सेपरेट निकल गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम स्ट्रेन करके लेंगे। पानी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके नहीं। अभी मैंने गैस के ऊपर रखी है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मटर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का ऑनियन, स्लाइस किया हुआ। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। हमें इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। अब हम मीडियम साइज का शिमला मिर्च लेंगे, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गाजर या पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। 2 मिनट हो गए हैं, ये सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, आप चाहे तो ग्रीन चिली कट करके भी डाल सकते हैं। एक चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। नमक को हमें थोड़ा ही यूज करना है क्योंकि मैगी को बॉईल करते टाइम हमने नमक डाला था, तो इसमें हमें थोड़ा ही नमक डालना है। इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, जो मैगी के पैकेट में पाउच आते हैं वो। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स जो हमने बॉईल किए थे। इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा। ऊपर से हमने हरा धनिया डाला है
इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने एक मिनट के लिए पकाया है और ये अच्छे से पक भी गई है और ड्राई भी हुई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारा डो अच्छे से सॉफ्ट भी हुआ है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर से गूंद लेंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट बने। डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और आप देख सकते हैं ये डो हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है। अब हम इस डो को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसमें से एक डो लेंगे, इसे राउंड करेंगे और इसे हम रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डिश में सूखा मैदा भी लिया है। मैदा को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि डो हमारा चिपके नहीं, और इसे हम रोल करेंगे। रोटी को मैंने रोल कर लिया है। अब हम इसे तवे के ऊपर सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर तवा रखा है और गैस का फ्लेम मेरा मीडियम है। इसके ऊपर हम हल्का ऑयल लगा लेंगे। अब हम रोटी को इसके ऊपर सेक लेंगे। रोटी एक साइड से ड्राई हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर हम हल्का ऑयल लगा लेंगे। इसे हम इस तरीके से प्रेस करके रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम हल्का ऑयल लगा लेंगे ताकि ये रोटी कड़क ना हो जाए। रोटी ये दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना के लेंगे। फ्रैंकीज़ की हमारी शीट भी रेडी हो गई है और स्टफिंग भी रेडी हुआ है। अब हम शीट के ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। आप चाहे तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। मेयोनीज को मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब हम स्टफिंग फिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर चाट मसाला से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं या फिर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे बटर पेपर से रैप करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं किया तो भी चलेगा। फाइनली फ्रेंड्स, हमारी डेलीशियस मैगी फ्रैंकी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप इसे घर पर जरूर बनाइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।